कुर्बाने जाओ हो कुर्बाने जाओ तिना के लेन जो तेरा नाओ लेन जो तेरा नाओ तिना के हो सद कुर्बाने जाओ। मैं उनों पे बलिहार जाता हूं कुर्बान जाता हूं मैं उन पे सदके हो जावा जेडे संगत विच बह के जपते हैं सतनाम श्री वाहे जो ईश्वर की भक्ति करते हैं जो प्रभु को समर्पित होके निष्काम भावना से उसका सिमरन करते हैं मैं उनाते सदके जावा बलिहार जावा। गुरु अर्जन देव महाराज जी भी कहते हैं जिन जपिया तिसको बलिहार तिसके संग तरे संसार कहो नानक प्रभ लोचा पूर संत जना की बांछों धूड़। आह संतों की धूड़ कितनी पवित्र है
कई लोग कहते हैं संतों की धूड़ क्या होती है, संगत की धूड़ क्या होती है, ये तो कुछ भी नहीं। कोई गुरु अर्जन देव महाराज जी से पूछे ना, संतों की धूड़ संगत की धूड़ कितनी कीमती है। परमात्मा के चरणों में सब कोई कुछ ना कुछ मांगने आता है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज पांचवें गुरु नानक कहते हैं, हे प्रभु आज मैं भी तेरे दर से कुछ मांगने आया हूं। अंतर जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास एहें सुख मांगे, मौकों कर संतन की धूरे। सिर्फ मुझे धूड़ ना दे, मुझे संतों के चरणों की धूल बना दे। प्यार से बोलिए श्री, एक धूल मांगना है, एक धूल बन जाना है, कितनी बड़ी बात है। हमारे सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज संतों की संगत की चरण धूल बनने को कहते हैं। भाव तेरे अंदर इतनी निम्रता आवे, तेरे अंदर इतना दासा भाव आवे कि तू सबसे अपने आप को नीवा समझे। और सच जानना, जो अपने आप को नीवा समझता है गुरु नानक संसार में उसको सबसे ऊंचा बना देता है। प्यार से बोलिए श्री, आपस को जो जाने नीचा, सो गनिए सबते ऊंचा। नीवा कौन है? सब कहते हैं यार ये तो बहुत गरीब आदमी, ये तो बड़ा नीवा बंदा है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं। पर गुरुदेव कहते हैं जो अपने आप को सब कुछ गुणों के होते हुए भी, सब गुण संपन्न होते हुए भी अपने आप को सबको चरणों की धूल बनाएगा। सतगुरु कहते हैं मैं सबसे ऊंचा संसार में उसी को बना दूंगा। प्यार से बोलो श्री। धूल सबसे नीची होती है, पैरों में चलो ना, मिट्टी जो होती है अब पैरों के नीचे रहती है, पर परमात्मा चाहे ना इसी मिट्टी को सिर के ऊपर भी रख सकता है। ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवे, त्यों नानक साध जना जगत आन सब पैरी पावे। यही धूल जब उड़ती है ना हवा से तो सबके सिर में पड़ जाती है। प्यार से बोलिए श्री। परमात्मा के नाम की भी जिस वक्त हवा चलती है ना तो वो संतों को सबसे ऊंचा कर देता है। तो साथ संगत आज संतों का दिन मनाने आए हो। दिन उन्हीं के मनाए जाते हैं जिन्होंने अपने गुरु जी को मनाया होता है। प्यार से बोलिए श्री। बाबा जी ने अपने गुरुदेव को गुरु नानक को मनाया, आज सारी दुनिया उनके गुरुपुरब मना रही है, उनके दिन मना रही है, उन संतों के जन्मदिन मनाए जाते हैं, उनके बरसी दिन मनाए जाते हैं। किस लिए? कि उन्होंने अपने इष्ट को अपने गुरु को मनाया होता है। बाबा नंद सिंह जी ने सारी सारी रात गुरु नानक की भक्ति की थी, नाम सिमरन कर करके। नींद आती थी ना तो केस किल्ली से बांध लेते थे, भाई कहीं नींद का झोंका पड़े तो केसों पे जोर पड़े, नींद ना आवे, ऐसी भक्ति कौन करेगा। प्यार से बोलिए श्री। संत बाबा थायरा सिंह जिनका दिन मनाने आए, संतों ने ऐसी भक्ति की, धन गुरु नानक साहब प्रसन्न हो गए। सात संगत ग्रस्त में रह गए। आ देखो ग्रस्ती संत थे संत बाबा थैरा सिंह, ग्रस्त में रह के काम धंधा करते हुए, अपने परिवार बच्चों की पालना करते हुए ऐसी मिसाल बन गए नाम जपने की कि सतगुरु कहते हैं जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास। कंत बोलते हैं परमात्मा को, परमात्मा तो उनके पास रहते हैं। एक बारी कबीर साहब देखा सब हज जाते हैं, बोला मैं भी हज करने जाऊं। कपड़े तैयार कर लिए, अटैची में कपड़े रख लिए, चलने लगे हज करने के। अभी गली के मोड़ पर ही पहुंचे थे कि खुदा आ गए। प्यार से बोलिए श्री। खुदा पता है किसको कहते हैं? जो खुद आवे।
खुद आ। प्यार से बोलिए श्री, उसको ढूंढना नहीं पड़ता। लोग कहते हैं खुदा को ढूंढो, अरे ढूंढना तो उसको है जो खो जावे। खो तो हम गए हैं काम क्रोध दो अहंकार में। प्यार से बोलिए श्री, खुदा थोड़ी खोए हैं, खुदा उसको बोलते हैं जो खुद आवे, खुद आ। तो खुदा आ गए आगे से, बोले कबीर कहां चले? बोले महाराज जी आपके दर्शन करने सब जा रहे हैं मोहल्ले में से। मैंने कहा चलो मैं भी चल पड़ू, मैं भी आपका दर्शन कर रहा हूं। खुदा हंस के कहने लगे कबीर मैं तेरे दर्शन करने रोज आता हूं, तू मेरे करने जाएगा? तभी तो कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा, एक भय हैं को न सके पहचानी। जब भीलनी ने की झोपड़ी में राम जी आ गए ना, ओह उनके लिए बेर रखे थे बेर, राम जी आएंगे तो भीलनी ने कहा अपने राम जी को बेर खिलाऊंगा। घर का दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि जहां सेवा करती थी उन्होंने भी निकाल दिया, आज से हमारी झोपड़ी के आगे झाड़ू नहीं देना, चलो तू नीमी जात की है। घर बैठ गई, दरवाजा बंद कर दिया झोपड़ी का, जब राम जी आएंगे तो दरवाजा खोलूंगा। राम जी ने रास्ता बदल दिया, प्रोग्राम बदल दिया, जहां जाना था वहां नहीं गए। कहां पहुंच गए? राम जी भीलनी के घर के बाहर खड़े हो गए। प्यार से बोलिए श्री, आवाज देते हैं भीलनी छबरी दरवाजा खोल। बोलती है राही आज तक ये दरवाजा बंद नहीं हुआ, पर आज प्रण करके बैठी हूं जब तक राम जी नहीं आएंगे तो दरवाजा नहीं खोलूंगी। आवाज देती जिसको याद कर रही है वो तेरे दरवाजे पे ही खड़ा है। दौड़ के आई दरवाजा खोला, क्या देखा चौदहवीं का चंद्रमा चढ़ा है, राम जी के दर्शन हो रहे हैं। प्यार से बोलिए श्री, चरणों पे मत्था टेका, प्रभु धन हो गई मैं तो, आप मेरे गरीब गरीब की झोपड़ी में आए। जिना रहा तो चल के आए, मैं सदके जावा मैं बलिहार जावा। अंदर ले गई कुशा का आसन बिछाया, ऊपर राम जी को बिठाया। राम जी कहने लगे बड़ी भूख लगी है। प्यार से बोलिए श्री, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा भाई लालो बड़ी भूख लगी है, वो कोदरे की रोटी ले आए मोटा आना। गुरु नानक जी वही प्यार से खाने लगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी कहते हैं साच कहूं सुन लियो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। परमात्मा धन के बदले सोने चांदी के बदले हीरे मोतियों के बदले नहीं मिलते, प्रभु तो मिलते हैं प्रेम के बदले। प्यार से बोलिए श्री, जो रातें संगत में बैठ के जागते हैं उनके रात के सपने में प्रभु आते हैं। आप जाग रहे हो कहीं नींद भी आएगी ना तो प्रभु के ही सपने आएंगे, गुरु नानक के ही सपने आएंगे, संगत के ही सपने आएंगे। मैं संगत में बैठा कीर्तन सुन रहा, बोलो श्री। और जो रात को गंदे खाने गंदे नशे बुरे कर्म करके आएंगे उनको रात को कोई गुरु नानक का सपना थोड़ी आना, उनको कोई संगत का सपना थोड़ी आना। तब भीलनी बैठी, राम जी ने क्या भूख लगी है, ध्यान आया ओहो मैं तो बेर लाए के रखे थे, राम जी आएंगे तो खिलाऊंगी। झट से लाई लाल सूए बेर, पर कितने दिनों से पड़े थे ना वो सूख गए थे। राम जी को दिया, राम जी ने बेर खाया, कहने लगे बड़ा सख्त है, बीलनी बहुत सख्त है, कोई नरम सा तो निकाल दे झोले में से, टोकरी में से देखने लगी सब सख्त हो गए। एक बेर उठाया मुंह में रखा, उसको अच्छी तरह गीला किया नरम किया, मुंह से निकाला, बोला महाराज जी ये खा के देखो ये नरम है। अब कौन जानता था राम जब आएंगे भीलनी सीत प्रसाद लेगी कि आज राम जी भीलनी का प्रसाद ले रहे हैं जूठा। प्यार से बोलिए श्री, अब भक्त और भगवान का प्यार देखिए। जब मां बच्चे को खिलाती है ना उसका जूठा भी खा लेगा। प्यार से बोलिए श्री,
कभी गिलानी आई है माँ को कि मैं अपने बच्चे का जूठा क्यों खा रही? छोटा बालक माँ की गोद में पड़ा है, थोड़ा सो उसको खिलाती है, थोड़ा आप खाती है। राम जी कहने लगे, बीलनी बड़े सख्त बेर है, नरम सा दे, मुंह में गीला करके दिया। लक्ष्मण जी देख रहे थे, बोले पहला तो बेर हाथ से लेके खाया, अब उसका जूठा खा रहे हैं। घर चलेंगे ना राम जी? माँ कौशल्या को कहूंगा इसको चौके में मत घुसने दो, पहले इसको चंगी तरह स्नान पानी कराओ, बीलनी के जूठे बेर खा के आए हैं। प्यार से बोलिए श्री लक्ष्मण, बीलनी की जात देख रहा है और राम जी बीलनी का प्रेम देख रहे हैं। प्यार से बोलिए श्री। जिस वेले खाए कहने लगे, आहा ये तो बड़े मीठे और नरम है। बीलनी ने कहा, महाराज जी सारे मत खा जाना, एक दो मुझे भी देना। प्यार से बोलिए श्री। जैसे भीखम शाह ने कहा, गुरु नानक जी के आगे रखा ना दूध का कटोरा, जब कीरतपुर साहब गुरु नानक जी आए भीखम शाह को, आहा जिस वक्त दर्शन दिए कीरतपुर साहब आए, छेवें पातशाह के समय तक वो रहा बुड्ढन शाह फकीर। प्यार से बोलिए श्री। बुड्ढन शाह फकीर गुरु नानक के दर्शन करके बोले, आ पातशाह मैं धन हो गया, आज मेरी झोपड़ी में आए दूध का कटोरा आगे रखा। गुरु नानक बोले, छेवें जामे में आएंगे तो दूध पिएंगे। प्यार से बोलिए श्री। बाबा मैं तो आगे ही बुढ़ा हो गया, तू छेवें जामे की तरीक पा दी, तब तक मैं जीवित रहूंगा। बोला बुढ़ना, गुरु नानक बोले, बुढ़ना जब तक तू चाहेगा दुनिया में रहेगा, और छेवें जामे में आके तेरे से उधार किया दूध पिएंगे। छेवें पातशाह जब गुरु नानक का रूप, गुरु नानक के बाद गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, ते छेवें पातशाह जदों गुरु हरगोबिंद साहब गुरु नानक की गद्दी पे बैठे, समा आया कीरतपुर साहब गए, ते बुड्ढन शाह की झोपड़ी के बाहर खड़े होके आवाज दी, बुड्ढना हम आ गए। प्यार से बोलो श्री। पहचान लिया ये तो मेरे गुरु नानक की आवाज है, कहा था आएंगे तब से इंतजार कर रहा। बुड्ढा इतना हो गया, आंखों के जो ये होती है ना पुतलियों के आगे बाल बरबटे, इतने लंबे हो गए। कहां गुरु नानक का समा, कहां छेवें पातशाह। वर्षों बीत गए, सदियां बीत गई, अभी भी बैठा है इंतजार में। आहा जो इंतजार करते हैं उन्हीं के पास गुरु आते हैं। प्यार से बोलिए श्री। संत बाबा सुजान सिंह जी कहते थे, इंतजार भी एक भक्ति है, जिसने इंतजार नहीं किया उसको मसाले यार नहीं मिला। प्यार से बोलिए श्री। यार का दर्शन तभी होगा जब इंतजार होगा। आवाज आई, पहचाना ये तो मेरे गुरु नानक की आवाज। पातशाह मैं बुढ़ा हो गया, मैं बाहर नहीं आ सकता, तू अंदर आ जा। छेवें पातशाह घोड़े से उतरे, गुरु हरगोबिंद साहब जी बुड्ढन शाह की झोपड़ी के अंदर गए। बुड्ढन इतना बुढ़ा हो गया, आंखों के ऊपर से इतने बाल लंबे हो गए, उनको हटाया आंखों के ऊपर से, ऊपर चल के देखा जब मुंह करके, कहा आहा आवाज तो वही है पर रूप बदला हुआ है। कहा तो था सिर पे कलगी लगा के आऊंगा, मीरी पीरी के दो तलवारें पहन के आऊंगा, घोड़े पे चढ़ के आऊंगा, बिल्कुल वही रूप है, आवाज भी वही रूप है, पर जिस रूप में दूध उधार कर गए थे ना, वो रूप इस रूप में मिलता नहीं। प्यार से बोलिए श्री। जे आप गुरु नानक का रूप होते, एक बारी वो रूप भी दिखा दो ना जिस रूप में दूध उधार कर गए थे, गुरु नानक का रूप बना के दिखा दो। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने झट अपना रूप गुरु नानक वाला बना दिया। प्यार से बोलिए श्री। फिर बोलिए श्री। फिर बोलिए श्री। क्या दिखता है, छेवें पातशाह की जगह गुरु नानक जी खड़े हैं, चरणों पे मत्था टेका, बस
मुझे पता लग गया तेरे में और गुरु नानक में कोई फर्क नहीं। छीवें पातशाह ने झट अपना रूप फिर मेरी पीरी वाला बना लिया। बुड्ढन शाह ने बिठाया, सतगुरु बोले बुड्ढना भूल गए हमारा दूध उधार है तेरी तरफ, पातशाह अभी लाता हूं। सेवक को कहा जल्दी दूध लाओ। छीवें गुरु नानक आ गए, प्यार से बोलिए श्री, दूध का कटोरा आगे रखा, अरदास की पातशाह भोग लगाओ, दूध पियो मेरे गोविंद राय। सारे बोलो ना, दूध पियो मेरे गोविंद राय, दूध पियो मेरे मनपति आए। नाल अरदास करता है जैसे नामदेव करता था ना अरदास, भगवान के आगे दूध का कटोरा रख के नामदेव अरदास कर रहे हैं। दूध पियो मेरे गोविंद राय, दूध पियो मेरे मनपति आए। जिसके अंदर भावना नहीं है उसका दूध भगवान कभी नहीं पीता, और जिनके अंदर भावना है बाबा नंद सिंह जी रोज गुरु नानक को, गुरु ग्रंथ साहब को गुरु नानक जान के भोग लगाते थे। प्यार से बोलो श्री, तो आओ एक बार सारे मिलके गाएंगे। दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो, बोलो
गणपति आए, दूध पियो दूध पियो, दूध पियो में गणपति आए, नहीं तो घर को पाप रिसाए, नहीं तो घर को पाप रिसाए, दूध पियो गोविंद राय, दूध पियो गोविंद राय, गोविंद राय। भगत मेरे हृदय बसे, एक मेरे नाम में देख नारायण हसे, हंस पड़े भगवान, नाम में देख नारायण हसे, हसे दूध पियो दूध पियो, बोलो जी बोलो, दूध पियो गोविंद राय, दूध पियो मेरे मन पतियाए, भगत घर गया, दूध पियाए भगत, दूध पियाए भगत घर गया, दूध पियाए नामे घर का दर्शन भया, दर्शन भया, दूध पियो दूध पियो, दूध पियो गोविंद राय, दूध पियो मेरे मन पतियाए, नहीं तारी को दूध पियो दूध पियो, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 सिमरो, वाहेगुरु
पखरो वाहगुरु 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 सदके दूध पियो जी दूध पियो मेरे गोविंद आए जब नामदेव जी ने अरदास की ना ठाकुर जी के आगे रख के दूध पियो मेरे गोविंद राय दूध पियो गोविंदे राय दूध पियो मेरे मन पति आए मेरा मन बहुत खुश हो जाएगा गोविंद जे तू दूध पीवेगा तो सचमुच गोविंद वो मूर्त ना रही वो गोविंद की सूरत बन गई भगवान पर तख हो गए कटोरा उठाया दूध पीने लगे नामदेव जी ने कहा सारा मत पी जाना सवेरे से मैं भी भूखा बैठा हूं प्रेम था ना सच्चा प्रेम नामदेव जी महाराष्ट्र के थे प्यार से बोलिए श्री महाराष्ट्र के संत नामदेव जिनका जिक्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कर रहे हैं प्यार से बोलिए श्री श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सबके सांझे गुरु हैं जिसमें संत नामदेव की भी बाणी है जिसमें संत कबीर जी की भी बाणी है जिसमें संत रविदास जी की भी बाणी है जिसमें संत सदना जी की भी बाणी है जिसमें बाबा शेख फरीद की भी बाणी है प्यार से बोलिए श्री कितने ही भक्तों की बाणी भगत सूरदास की बाणी भगत जयदेव की बाणी भगत धन्ना जी की बाणी तो ये गुरु ग्रंथ साहब किसी एक जाति फिरके के गुरु नहीं श्री गुरु ग्रंथ साहब पूरी मानवता के पूरी इंसानियत के गुरु हैं प्यार से बोलिए श्री और जो सच्चे मन से श्री गुरु ग्रंथ साहब की उपासना करेगा आराधना करेगा गुरु की वाणी पढ़ेगा सचमुच उसके ऊपर उस अकाल पुरख परमात्मा की कृपा की बारिश होगी प्यार से बोलिए श्री आज के समय में कई ऐसे हैं दोखी जो कहते हैं गुरु नानक अलग है गुरु ग्रंथ साहब अलग है गुरु गोविंद सिंह अलग है प्यार से बोलिए श्री दस पातशाहियां एक रूप हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब का दर्शन दस पातशाहियों के दर्शनों का फल है प्यार से बोलिए श्री इसलिए बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे जिसने श्री गुरु ग्रंथ साहब की आराधना की है पूजा की है गुरु की वाणी को हृदय में बसाया है वो इकल्ला आप नहीं तरेगा उसकी कुलें भी तर जाएंगी बाबा खैरा सिंह जी ने गुरु नानक को पूजा गुरु ग्रंथ साहब की पूजा में संगत को लगाया आज देखो ना कितनी सिंधी संगतें श्री गुरु ग्रंथ साहब के चरणों से जुड़ी हैं प्यार से बोलिए श्री और कितना प्यार गुरु नानक की सिंधी संगत में सिख संगत सिंधी संगत और ये तो गुरु नानक का घर है गुरु नानक के पास तो भाई बाला भी बैठते थे जो हिंदू थे और गुरु नानक के कीर्तनीय भाई मर्दाना जो जाति के मुसलमान थे वो भी गुरु नानक के साथ रह के कीर्तन करते थे बोलो श्री तो ये भिन्न भेद कहां से आ गए जिनके मन के अंदर अंतर होता है वो दूसरों के अंदर भी अंतर ही ढूंढते हैं पर जिनका मन गुरु से जुड़ा होता है वो सब कुछ यही दृष्टि से देखते हैं ये भी सब गुरु से जुड़े हैं सबके अंदर गुरु की ज्योत है तो कहां नामदेव दूध पिला रहे हैं भगवान पर तक होके पी रहे हैं
कहां बुटन शाह फकीर जात का मुसलमान कीरतपुर साहब में गुरु नानक का बिठाया बैठा। छेवें पातशाह ने जाके जब दुध मंगया लोटा हाजिर कीता सतगुरु पीने लगे ता बुढ़न शाह बोला सतगुरु सारा ना पी जाना मैं भी जन्मों से भूखा बैठा हूं तेरे शीत प्रसाद को लेने के लिए। प्यार से बोलिए श्री। छेवें पातशाह ने दुध पीता शीत प्रसाद बुढ़न शाह को भी दिया बुढ़न निहाल हुआ। सतगुरु बोले बुढ़ना कहे तो तेरी उम्र और बढ़ा दूं। बोला बस सतगुरु तेरे दर्शन हो गए तेरा शीत प्रसाद मिल गया ये जीवन धन्य हो गया। अब एक बेनती प्रमाण कर तेरे चरणों में मत्था टेकता हूं और ये श्वास तेरे चरणों में ही निकल जाए। जहां बुढ़न शाह ने गुरु हरगोविंद साहब जी को मत्था टेकिया चरणों पे चरणों में ही श्वास दे दिए। प्यार से बोलिए श्री। ब्रह्मलीन हो गया साथ संगत। ये है प्यार वालों की साखियां गाथाएं हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां। ये सुन के वाणी सुन के संतों की कथाएं भक्तों की कथाएं गुरुओं की कथाएं सुन के मन में हमारे भी प्यार आवे कि कोई दिन आवे गुरु नानक हमारे भी हृदय रूपी घर में आ जाए कहीं वो भी हमारे हमको उसके दर्शन होवे कहीं एक बारी कृपा करके हमारे पे भी नजर करे हमारी अंदर से अहंकार को निकाले अपनी प्रेमा भक्ति बख्श देवे हमारा भी जीवन सफल हो जाए। प्यार से बोलिए श्री।
में तो बस उड़ते जाना, फुर्सत हो तो किसी रोज तुम मेरे घर भी आ जाना, मेरे घर भी आ जाना। एक दिन में 100 बार गुरु जी करूँ तुम्हारा शुक्राना, फुर्सत हो जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Oh.
विष्णु
शिवा।